मुख्यमंत्री गहलोत आज सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर, भेड़ोली में शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष बिरला आज पहुंचेंगे जयपुर, होगा भव्य स्वागत। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मेलन को संबोधित, 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, अंबाला कैंट और सिटी में पैदल चलेंगे राहुल गांधी, शाम को पंजाब में एंट्री, स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे राहुल गांधी। जोशीमठ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ में सूचीबद्ध है मामला, ज्योतिर्मठ पीठ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लाया राहत, सर्दी का असर कम, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज, लेकिन कोहरे ने रोकी यातायात की राह, 14 से 15 जनवरी से फिर रंग दिखाएगी सर्दी। मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप, जामनगर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित, एनएसजी को तलाशी में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, 7.9 मापी गई तीव्रता, इंडोनेशिया में सुनामी का अलर्ट। तिलचौथ आज सुहागिन, महिलाओं ने रखा व्रत, चंद्रोदय के समय चांद को देंगी अर्घ्य, तो चौथ का बरवाड़ा स्थित माता के मंदिर में उमड़ रहे भक्त। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर वन, टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार।